अब तुम व्लॉग नहीं बनाओ भाई, लास्ट व्लॉग कर दो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो ऑल आर परफेक्ट फाइन। वेलकम टू आर वेरी स्पेशल डे एंड वेलकम टू आर वेरी स्पेशल व्लॉग। एंड दिस इज नॉट अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग अ वेरी वेल। आई एम इल एंड जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैंने जो है अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किस तरीके से किया है। बिल्कुल आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है, फ्लू है, फीवर है, हेडेक है, तो उस वजह से जो है बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था व्लॉगिंग करने का। और आज इसी वजह से मैंने जो है व्लॉगिंग भी अपनी लेट स्टार्ट की है। और अभी भी मैं यहाँ पर देखे हैं आप ब्लैंकेट ओढ़े हुए आराम से अपने बेड पर जो है आराम कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा आज जो है ना मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का। बट लेकिन मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे लिए इतनी दुआएं करती है, मेरे व्लॉग्स का वेट करती है, तो क्यों ना इनसे व्लॉग जो है शेयर किया जाए। सो लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सुबह से जब से उठी हूँ, बस नाश्ता करने के बाद लेटी हुई हूँ, दवाई भी खाई है, डॉक्टर के पास भी जाना है अभी, तो दवाई खाई है, थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बिस्तर से उठूँ, थोड़ा चलूँ, ताकि अगर लेट ही रहूँगी तो वही तबीयत ख़राब रहेगी मेरी। तो मुझे अब थोड़ा सा उठना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, यहाँ वहाँ जाना चाहिए, ताकि मेरी जो है एक्टिव हूँ दोबारा से और मैं सही हो जाऊँ। तो वरना मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट आपको पता ही कैसे करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम ये वो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है तबीयत की वजह से जो है ना आवाज़ जो गला ख़राब है ना, उस वजह से आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही है। तो काइंडली आप ऐसे ही मेरा व्लॉग एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और मुझे पता है आप ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं फिर। यहाँ पर मैं अपनी ब्लैंकेट हटाती हूँ। सुबह से जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जगह, सुबह से ऐसी ही गर्म हो गई है बहुत, क्योंकि मैं जो है ना सुबह से लेटती हूँ बैठती हूँ, तो उस वजह से मुझे जो है एक्टिव भी नहीं हो रही, चक्कर भी इतने आ रहे हैं। अब सोच रही हूँ मैं थोड़ा उठूँ, जाऊँ, थोड़ा वॉक करूँ, तो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं कॉफ़ी, चाय, हाँ चाय सही है। कॉफ़ी जो होती है ना बहुत कड़वी कड़वी लगती है मुझे, इसलिए ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तबीयत सही नहीं है ना, दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ भी करने का। क्या मैं कर रहा हूँ, मैं चाय बना के देता हूँ, स्पेशल चाय। स्पेशल चाय एक तो ये पंजे मारे आ रही है। क्या कर रही है? पंजे मारे आ रही है। तो ये इसको हटाए ना, ये समझिए गोश्त है यहाँ पे। तो मौसम जो है ना बहुत ख़राब है, इसलिए दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करना। चाय पीने के बाद हम जाएंगे दवा लेने, इंशाल्लाह दवा लेंगे तो कोमल ठीक हो जाएगी। कल तक सही थी, मैं अपने सिस्टर के घर गई थी ना, और मैंने अपना व्लॉग भी शेयर किया अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, तो बिल्कुल सही थी मैं। बस रात में सोई हूँ, तो सुबह उठी हूँ तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मौसम शायद चेंज हो रहा है इसलिए। तो ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे लिए चाय बना रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दूध उबलना बॉइल हो रहा है दूध। अच्छा, उसके बाद में चाय, लेकिन स्पेशल चाय, फिर बोलूँगा होटल। होटल क्यों खोलेंगे, अल्लाह ना करे, नहीं हम होटल नहीं खोलेंगे, हम अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। यूट्यूब से इंशाल्लाह हमारी अर्निंग होगी ना, तो अच्छा सा हम रेस्टोरेंट खोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वहाँ के शेफ होंगे आप? मैं सिर्फ चाय का शेफ लॉक। बड़े से रेस्टोरेंट में भी आप चाय बेचेंगे सिर्फ चाय वाला। बड़े बड़े ख्वाब देखना सीखे और अल्लाह ताला के हुक्म से वो पूरे भी होंगे, क्यों भैया बताए। अच्छा, यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, जब तक हम जब तक क्या करूँ मैं चाय बन रही है, तो लेट जाऊँ जाके चाय बन जाए तो ले आएंगे। चलो ठीक है, मैं अंदर जाऊँ फिर, चाय बन जाए तो ले आइएगा। तो यहाँ पर जो मैं आ गई हूँ और आराम कर रही हूँ, और देखें यहाँ पर, और सर्दी भी लग रही है, फीवर की वजह से जो है ना मुझे थोड़ी ना सर्दी भी लग रही है और पसीने भी आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन हो तो सर्दी लगती है, ऑफ़ हो जाए तो गर्मी लगती है, तो इसीलिए जो है ना मैं ब्लैंकेट यहाँ पर जो है मैंने वेयर की हुई है, ओढ़ी हुई है यहाँ पर, देखें। सो मैं अब यहाँ पर आराम कर रही हूँ, लेकिन जो है मैं ज़्यादा मेरी जो है ना तेज़ तेज़ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं जो स्लो स्लो बोल रही हूँ, काइंडली इसको आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, और सपोर्ट भी कीजिएगा। और इसके अलावा जो है अब तो माशाल्लाह मैंने जो व्लॉगिंग अपनी आप लोगों से मैं जल्द से जल्द शेयर करने लगी हूँ,
तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और मैंने आज अपना वो डायलॉग नहीं बोला जो मुझे शुरू में बोलना था, क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना, तो भूल गई मैं कि SW माइंड ब्लोइंग को अगर ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपसे अपने यूट्यूब जर्नी भी शेयर करूँगी कि कहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की और किस तरीके से की, क्यों मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया है, तो ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरे हस्बैंड चाय लेके आ रहे हैं, मैं वो पीती हूँ, दवाई खाती हूँ, फिर अगर आवाज़ आराम आता है तो ठीक है, वरना डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा। चाय बन गई है क्या? चाय बन रही है। बन रही है, चाय में लगेगा टाइम 10 मिनट कम से कम। अच्छा, चाय बन चुकी है चाय। थैंक यू सो मच, आपने जो है मेरे लिए चाय बनाई, साथ में आप बिस्किट भी लेके आए। वाओ, थैंक यू, यू आर अ ग्रेट हस्बैंड, थैंक यू सो मच। लॉक। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं कह रही थी कि जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना, ये देखें अपनी और मेरी चाय लेके आए, साथ में बिस्किट भी लेके आए, ठीक है। तो अब मैं, ये गर्म बहुत हो रही है, ठंडी हो जाए तो मैं पी लेती हूँ। इसके अलावा आप और कुछ बोलना चाहेंगे? अब तुम व्लॉग नहीं बनाओ भाई, लास्ट व्लॉग कर दो। क्या? यस, क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूँ। आर यू सीरियस? यस। कोई नहीं, मेरी तबीयत और ख़राब करनी है क्या ये बोल के? लास्ट व्लॉग है, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे ऐसे नहीं बोले। क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। क्यों, मैंने क्या आपको तंग करके रखा भाई? क्या नहीं तो? तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मैं मेहनत करती हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, शूट, एडिट, थंबनेल, सब कुछ मेरा, और ऊपर से आप कह रहे हैं व्लॉग आखिरी तुम्हारा। क्यों भाई, मजाक? फिर सही है, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि पता नहीं क्यों बोल रहे। पहले मुझे परमिशन दे दी व्लॉग से और अब बोल रहे हैं अपनी बनाना। अब तो मुझे आदत हो गई बनाने की भाई। तो यहाँ पर मेरी तबीयत और ख़राब होने वाली थी सुनकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये मजाक था। अगर ये सीरियस होता ना तब भी मुझे माननी नहीं थी आपकी बात। चले, यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी ये टी जो है, अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, इसके साथ बिस्किट भी इंजॉय करती हूँ, ठीक है। आप लेंगे? ये ले, जाहिर सी बात, अच्छा चले, ठीक है। तो आपने ना लास्ट में मेरे व्लॉग्स को लाइक करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है काइंडली फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। बाकी मैं अपने जो है ना व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन आज का व्लॉग जो है ना, इतना मुझे पता है खास नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जाहिर सी बात है तबीयत, एनर्जी लो है और तबीयत भी मेरी डाउन है। तो बस जिस तरीके का है काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। मुझे पता है आप मेरी यूट्यूब फैमिली और आप जो है मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइक करके जाइएगा, अपनी मैं जो है इंजॉय कर लूँ। इंजॉय का मतलब इसको मैं जो है पीने के बाद, बिस्किट खाने के बाद अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दी एंड करना है बस, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। हाँ, मेरी ठंडी हो गया ना, यहाँ पे ठंडी हो रही है, फिर मैं ना पीती हूँ जरा। तो यहाँ पर गाइस, मैंने जो है मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं अभी दवाई लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए टी जो हमारी फिनिश हो गई है, दवाइयाँ ही मेडिसिन है, लेकिन हमने बाहर से खाना भी ले लिया है क्योंकि हिम्मत नहीं थी बनाने की बिल्कुल भी तबीयत ख़राब की वजह से। तो ये पराठे, ये रोल वगैरह, ये सारी जो है ना हमने बाहर से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको खा लेती हूँ, फिर इसके दैन में दवाइयाँ लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पर दवाई मतलब खाना खाने के लिए। तो अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी दिल नहीं था व्लॉगिंग का, लेकिन आप लोग के लिए किए तो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये खाना वगैरह खा लेती हूँ और फिर जो है वाइंड अप करती हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैंने अपना डिनर भी फिनिश कर लिया है और मेडिसिन भी खा ली है। अब इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी और सुबह देखते हैं क्या रिजल्ट हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह न्यू कंटेंट के साथ न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।